27 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के दादरी शहर में जगन्नाथ शोभा यात्रा परंपरागत रूप से हो रही थी। आयोजकों ने दो लोगों को दादरी निवासी 26 वर्षीय सलमान और 30 साल के पप्पू को यात्रा के दौरान फोड़ने के लिए फटाके ले जाने के लिए रखा था। दुकानों से अटी पड़ी सड़क पर आतिशबाजी जलाने की जिम्मेदारी सलमान की थी। जबकि पप्पू उस ई रिक्शा का चालक था जिसमें पटाखे रखे गए थे और यात्रा के साथ साथ चल रही थी। अचानक पटाखों में से एक पटाखा ई रिक्शा पर गिर गया। एक धमाका हुआ और पटाखे बेतरतीब ढंग से उड़ते नजर आए। लोग दुकानों में घुस गए। पप्पू बेतरतीब ढंग से उड़ रहे पटाखों से खुद को बचाने के लिए ई रिक्शा से कूद गया। अन्य लोग भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आग बुझाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। भगवान का शुक्र है। अफसोस की बात है कि इलाज के दौरान सलमान की मौत हो गई, जबकि पप्पू अस्पताल में ठीक हो रहा है। हालांकि किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस सलमान की जान चली गई। एक अन्य संबंधित समाचार में केरल के इरनाकुलम जिले के वरपूजा क्षेत्र में 28 फरवरी 2023 को एक फटाका निर्माण इकाई में भारी विस्फोट हुआ। इससे भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। पास के एक शेड में रखे पायरोटेक्निक उपकरण पूरी तरह से नष्ट हो गए। विस्फोट के प्रभाव से मोहल्ले के सभी घरों की खिड़कियां टूट गई। आश्चर्यजनक घटना में 3 बच्चों सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। अफसोस की बात है कि आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं हुई। हे, सुनिए, सेंसस का गूगल फॉर्म मैंने तो भर दिया है, आप भी जल्दी भरिए।